हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलम्पियाड्स के साथ साथ एनपीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएम की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं, ताकि आप उसके अंदर और भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे मार्क्स लेके आ सकें, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छी रैंक लेके आ सकें। और यहाँ पर हमारी फैकल्टी टीम पूरी इसी काम में लगी हुई है, आपको पढ़ाने के लिए, है ना, ताकि आप यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई हों, अपना नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, उनका नाम रोशन होगा तो आप जो है यहाँ पर ट्रू वैल्यूज़ अचीव करेंगे, यहाँ पर ट्रू सक्सेस अचीव करेंगे। ठीक है, कोई अपने पेरेंट्स को यहाँ पर जो है फेमस कर देता है, खुद को फेमस करता है, तो वो उसके लिए क्या है, यहाँ पर ट्रू सक्सेस है असल में। ओके, सो यहाँ पर हम आपकी पूरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, और हम भी यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर बहुत ही सिंसेयर तरीके से, बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही अच्छे से आप पूरे लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं और नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम इसी काम में लगी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन सब से आप यहाँ पर अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते आए हैं, पढ़ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आगे भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, सो पढ़ने से याद आया, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल, या फिर बोलूँ कंबशन एंड फ्लेम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके, दिस इज योर 4th चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द कंबशन। कंबशन के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कंबशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या कंडीशंस नेसेसरी होती हैं किसके लिए, कंबशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना ज़रूरी है, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंट यानी एयर का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे था कि इग्निशन टेम्परेचर का भी होना ज़रूरी है, उस कंबस्टिबल सब्सटेंस का कुछ ना कुछ इग्निशन टेम्परेचर भी होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, कंबशन होगा। ठीक है, सो व्हाट इज कंबशन, और यहाँ पर हमने जो है द नीड ऑफ कंबशन, और वी कैन से दैट व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, वी हैव डिस्कस ऑल ऑफ देम इन आवर प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, अगर बेसिक इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो पहले आप वो जा करके देख सकते हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर आइडिया होगा। ठीक है, और हेल्प मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर इस लेक्चर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्लेम के बारे में। ठीक है, कंबशन के दौरान यहाँ पर किस तरीके की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, किसी में फ्लेम प्रोड्यूस होती है, किसी में फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे कौन से कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं जिनमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ओके, और यहाँ पर किस तरीके से आपके कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बर्न करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बेसिकली जो है फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी टॉपिक्स आपके यहाँ पर कवर अप हो रहे हैं और उनसे रिलेटेड अगर आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं कहाँ पर, टेलीग्राम ऐप पे, है ना। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर जाकर के आपको चूज करना है, दैट इज यहाँ पर TTB08 आप अप्लाई करेंगे और चूज करेंगे, और फिर वहाँ से आप हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जब आप यहाँ पर चले जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ज्वाइन अप कर लेंगे, तो उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको क्यों जाना है, क्योंकि आई एम श्योर आपको जो है वो मटेरियल बहुत पसंद आने वाला है, तो आपको लगेगा कि मुझे जो है इस जैसा ही मटेरियल यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स का मिल जाए, कॉम्प्रिहेंसिव वे में मिल जाए, तो बहुत ही अच्छा हो। तो उसी लिए हम आपको यहाँ पर कहाँ लाए हैं, हमारी वेबसाइट पे, जहाँ पे जाके आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पे, दैट इज talkingtextbooks.in, और यहाँ पर जाने के बाद आपको चूज करना है क्या, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 8। ठीक है, जैसे ही आप वहाँ पर चूज करते हैं, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैकेज देखने को मिलेगा, जिसके अंदर होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक
टेस्ट पेपर्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक ही पैकेज के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर इस पैकेज को यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके इसे चूज कर सकते हैं। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट का पूरा पूरा जो है मॉड्यूल यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूल यहाँ पर या फिर जो है स्टडी मटेरियल बहुत सारा है, मार्केट में अवेलेबल है, बट यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपके लिए ऐसा मटेरियल आने वाला है जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा, ठीक है। बिल्कुल एकदम न्यू कॉन्सेप्ट से उसे डिज़ाइन किया गया है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में जो है चैप्टर को डिवाइड किया गया है, लेक्चर वाइज हमने उसे डिवाइड किया है, और उससे आपको जो है वहाँ पर उसको पढ़ने में बहुत हेल्प होने वाली है, ओके। सो इसी तरीके से यहाँ पर आप जो है कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल ले सकते हैं। अगर कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपको नहीं लेना तो यहाँ पर आई एम श्योर आप जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते होंगे, तो यहाँ पर आपके लिए सेकंड पैकेज में यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी रखी गई है, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ओके। तो यहाँ पर उस पैटर्न पे, ठीक है, आपके पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स होंगे जिसे आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लग रहा है उसे आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके उसे आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद आप यहाँ प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आते हैं, और प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आपको यहाँ क्या मिलने वाला है, यहाँ अगर आपको इनकी प्राइस ज़्यादा लग रही है तो यहाँ आपके लिए डिस्काउंट कूपन भी है, दैट इज डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। और वो कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पर AM लाइव कोड अप्लाई करने पर ही मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करते हैं AM लाइव, तो आपको क्या मिलने वाला है, 30% डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं AM लाइव अप्लाई करके, और फिर आप बाय पैकेज पे यहाँ पर क्लिक कीजिए, आप इस पैकेज को अपना बना सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और थ्रू नेट बैंकिंग, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन आप पहले पूछना चाहते हैं, ओके, टेलीग्राम से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप यहां पर कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे। नंबर बहुत सिंपल है, 9549041111, ठीक है। तो फटाफट से इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और पूछ लीजिए अबाउट एनी डाउट यू हैव इन सब्सक्रिप्शन। चलिए हम चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, हमारा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा कार्डिनल प्रॉमिस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूँ, यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूँ, ठीक है। सो कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया है आप लोगों ने, ओके, शैल वी बिगिन, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सी, देखिए यहाँ पर आज जो आपके लर्निंग आउटकम्स इसके अंदर होने वाले हैं वो क्या होंगे, दैट इज योर फ्लेम, ओके, और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक तो होता है आपका क्या फ्लेम, फ्लेम यहाँ पर कितने तरीके की होती है ना, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल, दैट इज सेम एज योर कंबशन एंड फ्लेम, ठीक है। एंड यहाँ पर आज हम फ्लेम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्लेम क्या होता है, नाउ सी, फ्लेम इज योर कंबशन, है ना। फ्लेम क्या है, एक तरीके से आपका यहां पर कंबशन ही है, क्या है, कंबशन, ओके। नाउ सी, यहां पर देखिए, एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा अपन स्टार्ट करते हैं, ओके, चलिए सी, व्हाट इज फ्लेम, फ्लेम क्या है, सी, फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस, है ना। फ्लेम क्या है, फ्लेम एक रीजन है जहां पर कंबशन हो रहा है, किसका, फ्यूल का, किसका हो रहा है, फ्यूल का कंबशन हो रहा है, एक रीजन है ना, वहीं पर फ्लेम जनरेट होती है जहां पर कंबशन होगा, ओके। नाउ द फ्लेम इज द प्रोडक्ट ऑफ अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फ्लेम क्या है, एक तरीके से प्रोडक्ट है किसका, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। फ्लेम इज द जोन ऑफ कंबशन ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस,
है ना, फ्लेम क्या है, एक जोन है, एक यहाँ पर हम बोले रीजन है किसका, जहाँ पर क्या हो रहा है, कंबस्शन हो रहा है, किसका, कंबस्टिबल सब्सटेंस का। भाई कंबस्टिबल सब्सटेंस ही कंबस्शन करते हैं, जलते हैं, ये चीज तो हमें पता है, ओके। बट फ्लेम क्या है, जब भी कंबस्टिबल सब्सटेंस यहाँ पर बर्न होगा वहां पर क्या होगी, फ्लेम प्रोड्यूस होगी। कुछ सब्सटेंसेज हैं यहाँ पर जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं और कुछ सब्सटेंसेज हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो यहां पर सब्सटेंसेस विच वेपराइज, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं यहां पर, वेपराइज होते हैं, ओके, जस्ट अ मिनट। यहां पर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, ओके। यहां पर सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, है ना, बर्निंग के टाइम पर ये क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, वो क्या करते हैं यहां पर, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि कैरोसिन हो गया, वैक्स हो गया, ये क्या करते हैं यहां पर, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। कैरोसिन आपने बर्न किया, है ना, यहां पर आप क्या देखेगी, फ्लेम प्रोड्यूस होती हुई थी। वैक्स आपने बर्न की, वहां पर क्या होगा, फ्लेम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बट द सब्सटेंसेस विच डू नॉट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम्स, है ना, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वेपराइज यहां पर नहीं होंगे वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि कोल और चारकोल यहां पर बर्न करते हैं तो वो अपने आप ही अंदर जो है जलते रहते हैं बस, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होती है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, लेकिन वहां पर क्या नहीं होती, फ्लेम नहीं दिखती आप, क्या नहीं दिखता, फ्लेम नहीं दिखता, है ना। कंबशन में क्या हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस यहां पर बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहां पर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही है, बट यहां पर जरूरी नहीं है कि फ्लेम भी प्रोड्यूस हो। अंडरस्टूड, समझ आया आपको, ठीक है। तो यहां पर अ फ्लेम इज द रीजन वेयर कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस, कोई भी फ्यूल है आपके पास, उसका क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, उस रीजन को हम बोलते हैं फ्लेम, ओके। नाउ फ्लेम इज द जोन ऑफ कंबशन, या फिर हम बोले अनदर वर्ड्स, फ्लेम इज अ जोन ऑफ कंबशन जिसके अंदर क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस का, ना। फ्लेम इज द जोन, फ्लेम इज द रीजन वेयर कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस और द कंबस्टिबल ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस टेक प्लेस। एक और चीज है यहां पर, दैट इज अ फ्लेम इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है यहां पर हीट और लाइट एनर्जी लिबरेट हो रही है, जनरली हीट यहां पर क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, यानी हीट रिलीज हो रही है। कंबशन होता है तब हमें क्या होता है, हीट एंड लाइट एनर्जी आपको मिलती है, ओके। क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं, कंबशन करते हैं। तो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, एक्सोथर्मिक टर्म आपने अभी तक नहीं सुना होगा, या हमने जो है मेटल और नॉन मेटल पढ़ा था वहां पर क्या पढ़ा था, शायद हीट जो है लिबरेट हो रही, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कंबशन भी आपकी एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसके अंदर हीट क्या होती है, लिबरेट होती है या रिलीज होती है, ओके। क्या होती है, लिबरेट होती है, या फिर हम बोले रिलीज होती है, ओके। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी लिबरेट होती है, तो हीट यहां पर कोई भी आप चीज जलाओगे तो वहां पर आपको उससे हीट मिलने वाली है, है ना। कोल जलाओ, चारकोल जलाओ, वैक्स जलाओ, केरोसिन जलाओ, ठीक है, तो उसमें आपको वहां पर हीट एनर्जी मिलने वाली है। अंडरस्टूड, इजी है, डेफिनेशन ऑफ फ्लेम, ओके। फ्लेम इज द रीजन, फ्लेम इज द जोन इन विच द फ्यूल बर्न्स, और वी कैन से दैट कंबशन ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस टेक प्लेस, इसके अंदर इट इज योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सम सब्सटेंसेस यहाँ पर जो है फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं, जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं वो है आपके केरोसिन और वैक्स, है ना। कैंडल जल रही है, आपको वहाँ पर एक क्लियर जो है फ्लेम देखने को मिलती है ना। किस तरीके से आप जो है बहुत छोटी, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं ना, बड़ा कहीं पर कुछ जल रहा हो तो वो आप वहाँ पर फ्लेम चेक नहीं कर सकते ना। बहुत छोटा सब्सटेंस, कोई कैंडल आपकी बर्न कर रही है, तो वहां पर आपको फ्लेम क्लियरली विजिबल होती है। कोल और चारकोल, यहां पर आपको फ्लेम विजिबल नहीं होगी, है ना। कभी भी कोल बर्न हो रहा हो तो वहां देखे वो बस हीट होता रहता है ना, रेड हो जाता है, ब्लैक हो रहता है, तो बट वहां पर आपको किसी तरीके से फ्लेम जो है नहीं दिखती, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, हम देखते हैं क्या है यहां पर
कलर्स ऑफ फ्लेम। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए यहां पर एक बात जो लिखी गई है वो ये कि सी जस्ट अ मिनट ओके देयर इज अ टेक्निकल इश्यू विल सॉर्ट इट आउट क्विकली। चलिए नाउ सी दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज, जिसके अंदर क्या हो रहा है एनर्जी रिलीज हो रही। अ फ्लेम इज द विजिबल पार्ट ऑफ द फायर। फ्लेम क्या है यहां पर विजिबल पार्ट है किसका फायर का ठीक है। और यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज, जिसके अंदर क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है। मेनली कौन सी एनर्जी यहां पर हीट एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम स्पेसिफिकली लिख दें तो क्या होती है हीट एनर्जी रिलीज होती है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है आर दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज और अ फ्लेम इज योर विजिबल लाइट एमिटिंग। विजिबल होता है आपको लाइट एमिटिंग होता है जिसके अंदर आपको जो है वहां पर फ्लेम प्रोड्यूस होती है, फ्लेम आपको दिखाई देती है ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ फायर, इट इज अ पार्ट ऑफ योर फ्लेम ठीक है। तो सी कलर, कलर ऑफ फ्लेम, फ्लेम के यहां पर डिफरेंट कलर होते हैं ठीक है। कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, किस किस पे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई आपने ज्यादा दे रखी है या कम दे रखी है तो वहां पर कंबशन में इफेक्ट पड़ता है ना। ऑक्सीजन की सप्लाई अगर आप कट कर दो तो वहां पर कंबशन नहीं होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूस रखो तो वहां पर कंबशन भी जो है कंटिन्यूस होगा ओके। तो यहां पर किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर पे ठीक है। यहां पर अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई, कितनी सप्लाई कर रहे हो एंड द सब्सटेंस बर्न, यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस आपका कौन सा है, कोल है, चारकोल है ना, केरोसिन है, वैक्स है ओके। सो आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, क्या है ना, उस पर डिपेंड करेगा यहां पर कलर ओके। कंबस्टिबल सब्सटेंस पे भी क्या करता है डिपेंड करता है। एग्जाम्पल फ्लेम प्रोड्यूस बाय हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स आर आइदर योर ब्लू और येलो है ना। जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, एलपीजीज हैं, मीथेन है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, कोल है ठीक है। तो यहां पर जो फ्लेम प्रोड्यूस होगी, कोल में नहीं सॉरी ओके, कहां पर फ्लेम प्रोड्यूस होगी, यहां पर आपका जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही साथ आपका जो भी यहां पर एलपीजी है ठीक है, गैस है, तो वहां पर आपका फ्लेम प्रोड्यूस होने वाली है। तो वहां पर जनरली कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ब्लू और येलो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस होगी, ब्लू और येलो फ्लेम वहां पर प्रोड्यूस होने वाली है ठीक है। सो टाइप्स ऑफ फ्लेम, यहां पर टाइप्स आ जाते हैं। फिर कलर आपको समझ आया कि ब्लू और येलो, यहां पर गैस स्टोव, ये एलपीजी आपका बर्न हो रहा है ना, क्या है ये एलपीजी ओके, गैस आपके घर में है, प्रेजेंट है ठीक है, रोज खाना बनाते हैं तो ना उसी, यहां पर एलपीजी बर्न हो रहा है तो वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए बर्न होता है। और यहां पर अगर आपने कुछ ऐसा उसके ऊपर दूसरा कंबस्टिबल सब्सटेंस वहां पर उससे जला रहे हो, सपोज पेपर वगैरह जला रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है ठीक है। तो कुछ सब्सटेंसेस यहां पर सारे हाइड्रोकार्बन जनरली ब्लू और येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए बर्न होते हैं ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ फ्लेम, यहां पर ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है। क्या होती है ल्यूमिनस, क्या होती है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ठीक है, इसे हम अभी देखते हैं। कलर आपको समझ आया, व्हाट इज एक्सोथर्मिक, व्हाट इज फ्लेम है ना, ये हमने यहां पर इसके अंदर डिस्कस किया ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आ रहा है आपको ओके। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, टाइप्स के बारे में कि ल्यूमिनस फ्लेम क्या होती है एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्या होती है ठीक है। चलिए सो लेट मी ओके नाउ सी ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। देखिए ल्यूमिनस फ्लेम क्या होगी, एक मिनट ओके लेट मी सी ल्यूमिनस फ्लेम, ऐसे ही बात करते हैं। ल्यूमिनस फ्लेम इज द फ्लेम जो कि यहां पर अकम्पेन हो रही है विद अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ठीक है।
जो कि क्या हो रही है, सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट जिसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं यहां पर, ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, ठीक है, मार्कर जो है चूज करने में कोई बात नहीं है, चलिए हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं फिर। ओके, सो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, दिस फ्लेम इज अकंपेन्ड विद द हीट बट वेरी, यहाँ पर जो है लिटिल लाइट जो है प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, बहुत कम यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बोलेंगे। ओके, नाउ ल्यूमिनस फ्लेम के अंदर और क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फ्लेम इज ऑब्जर्व व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जहां पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि यहां पर क्या हो रहा है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इन दिस फ्लेम इज दिस अकंपेन्ड विद अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में हीट और लाइट यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। इन दिस टाइप ऑफ फ्लेम इज ऑब्जर्व्ड व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, इनसफिशियंट ऑक्सीजन। दिस टाइप ऑफ फ्लेम अकर बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहां पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है किसका, हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जो है वहां पर सप्लाई हो रही है। दिस लीव्स ब्लैक सूट एंड अदर रेजिड्यू, यहां पर क्या होता है, ब्लैक सूट और अदर रेजिड्यू, ऐश वगैरह जो है आपको देखने को मिलेगी, वो इस केस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और येलो फ्लेम जो है वो क्या है आपका, यहां पर ल्यूमिनस फ्लेम, येलो फ्लेम जो है वो क्या है, ल्यूमिनस फ्लेम है, ठीक है, येलो फ्लेम वाली कौन सी है, यहां पर ल्यूमिनस फ्लेम है, ठीक है, अंडरस्टूड। चल नाउ, और नॉन ल्यूमिनस के अंदर क्या आएगा आपका, यहां पर ब्लू फ्लेम है ना, ब्लू फ्लेम इज योर नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है, समझ आया, थोड़ा सा जो है एडजस्ट कीजिए, है ना, इसको जल्दी ही यहां पर ठीक कर लेंगे अपन, जो भी टेक्निकल इशू है इसके अंदर, है ना। तो सी, यहां पर ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम आपको समझ आया। ओके, ल्यूमिनस के अंदर क्या हो रहा है, दिस फ्लेम इज अकंपेन्ड विद सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट, इसके अंदर सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट और लाइट यहां पर प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर इनसफिशियंट प्रोड्यूस होती हीट और लाइट, यहां पर जो है हीट तो यहां पर जो है सफिशियंट मिलती है, अकंपेन्ड विद हीट बट वेरी लिटिल लाइट, लाइट यहां पर कम जो है प्रोड्यूस होती है, इस फ्लेम के अंदर लाइट यहां पर कम प्रोड्यूस होती है बट हीट यहां पर सफिशियंट मिलती है, यहां पर हीट और लाइट दोनों ही जो है ठीक ठाक आपको मिलती है, सफिशियंट मिलती है। इसके अंदर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो यहां पर इनसफिशियंट दी जाती है, यहां पर जो भी फ्लेम है अकर हो रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सफिशियंट अमाउंट ऑफ जो है हाइड्रोकार्बन यहां पर क्या हो रहा है, कंप्लीटली बर्न हो रहा है, कंप्लीटली उसका क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, ठीक है। इट लीव्स ब्लैक सूट एंड अदर रेजिड्यू, है ना, ब्लैक सूट और यहां पर अदर रेजिड्यू जो है आपको मिलते हैं, है ना। अ टाइप ऑफ फ्लेम डज नॉट लीव एनी रेजिड्यू, इसके अंदर कोई भी रेजिड्यू जो है यहां पर नहीं मिलता, है ना, कोई भी रेजिड्यू आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। येलो फ्लेम इज योर ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है, येलो फ्लेम जो है यहां पर ल्यूमिनस फ्लेम है, जो भी येलो कलर की फ्लेम यहां पर प्रोड्यूस होती है उसे हम ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं, और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं हम ब्लू फ्लेम को, ठीक है, ब्लू फ्लेम जो भी होती है वो क्या होती है आपकी, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ओके, अंडरस्टूड। चल आगे बढ़े, नाउ सी कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स, है ना, कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स के बारे में हम यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कैंडल्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ, यहां पर कैंडल्स जो हैं किससे मिलके बन रही हैं, सी कैंडल्स जो हैं, ओके आ जाओ, चलो कैंडल्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ, यहां पर पैराफिन वैक्स, ठीक है, पैराफिन वैक्स से बनती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है आपकी, क्या हमने जो है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जब पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पर हमने देखा था कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे और यहाँ पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको क्या मिलती है, पैराफिन वैक्स मिलती है, तो उसी से बनाया जाता है आपका क्या, कैंडल्स, ठीक है। सो कैंडल्स आर मेड फ्रॉम पैराफिन वैक्स एंड विच इज ऑप्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, किससे ऑप्टेन होती है हमें, पेट्रोलियम से ऑप्टेन होती है। सो व्हेन अ कैंडल इज बर्न्ट
द फॉलोइंग कैन बी ऑब्जर्व, फॉलोइंग थिंग्स और फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन जो है आपको यहाँ पर मिलती है. द विक बर्न एंड इट स्टैंड इन अ पूल ऑफ लिक्विड वैक्स, है ना. जो विक यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर ये बत्ती जैसे बोलते हैं, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, बत्ती बोलते हैं. ओके तो यहाँ पर जो विक इसकी बर्न हो रही है, ठीक है, इट स्टैंड इन अ पूल ऑफ लिक्विड वैक्स, उसे जो है यहाँ पर रखा जाता है किसके अंदर, लिक्विड वैक्स के अंदर, ठीक है. देयर इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ अनबर्न्ड विक बिटवीन द फ्लेम एंड द लिक्विड वैक्स, ठीक है. इसके अंदर यहाँ पर क्या है, स्मॉल पोर्शन होता है विक के अंदर, यहाँ पर क्या होता है, देयर इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ अनबर्न्ड विक, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ अनबर्न्ड विक यहाँ पर जो है बाहर निकाला जाता है बिटवीन द फ्लेम एंड द लिक्विड वैक्स, ठीक है. ये जो विक यहाँ पर बाहर निकाला गया है इसके बीच में एक छोटा सा पोर्शन बचता है, ठीक है. इसके बीच में क्या रहता है, एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर रहता है जो कि नहीं जलता, ठीक है. यानी कि उसके ऊपर आपकी रहती है फ्लेम और नीचे रहता है क्या, लिक्विड वैक्स, ठीक है. नाउ द लिक्विड वैक्स इज ट्रैप्ड इन द कप ऑफ सॉलिड वैक्स. यहाँ पर आप देखेंगे कि बाउंड्री बन जाती है और उसके अंदर जो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है वो कैसा रहता है, लिक्विड रहता है, ठीक है. और उसे यहाँ पर सॉलिड वैक्स जो है कवर करके रखता है, यानी कि एक कप सा जो है शेप बन जाता है. नाउ द लिक्विड और द सॉलिड वैक्स नेवर कैचेस फायर, यहाँ पर ये पूरा ही एकदम से नहीं जलता है ना. लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, दोनों में से कोई भी जो है फायर कैच नहीं करता, ठीक है. ऑल्सो द फ्लेम नेवर ट्रेवल्स डाउन टू बर्न आइदर द लिक्विड और द सॉलिड वैक्स. ये फ्लेम भी यहाँ पर नीचे नहीं आता किसे बर्न करने के लिए, लिक्विड और सॉलिड वैक्स को बर्न करने के लिए. किसे बर्न करने के लिए, लिक्विड और सॉलिड वैक्स को बर्न करने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका असल में कैंडल किस तरीके से जल रही है, ठीक है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं. देखिए, इट इज व्हाट एक्चुअली व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल, है ना. यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, जब भी कैंडल बर्न हो रही है तो वहां पर एक्चुअली क्या होता है, इट इज ओनली द वैक्स वेपर दैट बर्न्स, है ना. सिंपल क्या रहते हैं आपके, वैक्स के वेपर्स रहते हैं जो कि क्या हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं, ठीक है. नाइदर लिक्विड वैक्स नॉर यहां पर सॉलिड वैक्स बर्न, ठीक है. ना तो यहां पर जो है लिक्विड वैक्स बर्न होता है और ना ही सॉलिड वैक्स बर्न होता है. वहां पर क्या बर्न होते हैं, यहां पर वैक्स के वेपर्स बर्न होते हैं. वो वैक्स जो मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने पर उसको यहां पर टेम्परेचर मिलता है. फ्लेम ऊपर जल रही है, वो फ्लेम यहां पर उस लिक्विड वैक्स में से वेपर उठाती है, है ना. वो किस में कन्वर्ट होती है, आपकी लिक्विड वैक्स वेपर्स में कन्वर्ट होती है. तो वो वेपर्स होते हैं जो कि असल में जल रहे होते हैं, बर्न हो रहे होते हैं. व्हेन द कैंडल विक इज लिट, जब आप उसकी विक को जो है जलाते हैं, लाइट करते हैं, ठीक है, द हीट प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लेम मेल्ट द वैक्स, ठीक है. यहां पर फ्लेम से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या कर रही है, वो मेल्ट कर रही है किसको, वैक्स को. ओके द विक सोक और एब्जॉर्ब द मोल्टन वैक्स, ठीक है. यहां पर जो विक है वो क्या कर रही है, सोक कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है किसको, मोल्टन वैक्स को, है ना. विक क्या कर रही है, मोल्टन वैक्स को एब्जॉर्ब कर रही है, सोक कर रही है. नाउ द हीट ऑफ द फ्लेम वेपराइजेस द मोल्टन वैक्स इन द विक. जो हीट यहां पर क्या कर रही है ऑफ द फ्लेम, वो क्या कर रही है, वेपराइज कर रही है किसको, मोल्टन वैक्स को. किसके थ्रू, विक के थ्रू, है ना. विक के थ्रू यहां पर मोल्टन वैक्स जो है वो क्या हो रही है, वेपराइज हो रही है. द गैसेस और द गैसियस वैक्स बर्न इन द फ्लेम, और वहां पर बर्न क्या हो रहा है, असल में गैसियस वैक्स जो है वो बर्न हो रही है. विच कीप्स द फ्लेम अलाइव, जो कि यहां पर फ्लेम को क्या रखती है, जिंदा रखती है, अलाइव रखती है. दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल द एंटायर वैक्स जो है गेट बर्न, है ना. ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि पूरा एंटायर वैक्स जो है वो बर्न ना हो जाए, ठीक है. यानी कि पूरा एंटायर वैक्स तब तक बर्न नहीं होता तब तक वो फ्लेम चलती रहती है. जब वैक्स खत्म हो जाता है, आप देखें लास्ट में कभी आपने पूरा जो है कैंडल को खत्म किया हो, ठीक है, तो जब तक वहां पर
उसके अंदर वैक्स प्रेजेंट रहता है, वो अटैच रहती है विक किससे, वैक्स से, तो वहाँ पर कैंडल जो है कंटिन्यूसली जलती रहती है। जब यहाँ पर विक जो है अलग हो जाती है, यानी ख़त्म हो गया पूरा वैक्स वहाँ से, तो कैंडल भी अपने आप जो है स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मेन प्रोसीजर है जो कि यहाँ पर हो रहा है, किसके अंदर, आपके कैंडल के अंदर, है ना, ये सारा प्रोसीजर वहाँ पर दैट इज टेकिंग प्लेस। ओके, अंडरस्टूड। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम, है ना, कैंडल फ्लेम का यहाँ पर बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है। ओके, सी आउटर नॉन ल्यूमिनस जोन, यहाँ पर बाहर की तरफ क्या है, आउटर नॉन ल्यूमिनस जोन है। नॉन ल्यूमिनस कैसा होता है, ब्लू फ्लेम वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर इस जोन में क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस, है ना, इस जोन के अंदर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, नाउ सी सेंट्रल जोन जो कि होता है आपका यहां पर ल्यूमिनस जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, सेंटर में क्या होता है, यहां पर नॉन ल्यूमिनस जोन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, यहां पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। इनर डार्क जोन ऑफ नॉन कंबशन, ठीक है, इनर डार्क जोन के अंदर क्या हो रहा है, यहां पर इट इज योर नॉन कंबशन जोन, उसके अंदर बिल्कुल भी कंबशन नहीं हो रहा, दिखने में आपको फ्लेम जैसा लगता है बट वहां पर कंबशन नहीं होता। लोएस्ट इज योर ब्लू जोन, है ना, लोएस्ट यहाँ पर नीचे नीचे क्या होता है आपका, ब्लू जोन होता है। द गैसियस वैक्स बर्न इन द, यहाँ पर जो है अभी हमने पढ़ा किसके अंदर, फ्लेम, यहाँ पर क्या हो रहा है, गैसियस वैक्स यहाँ पर बर्न हो रही हैं और वो तब तक जलती रहती है जब तक कि वहाँ पर क्या ना हो, आपका वैक्स जो है ख़त्म ना हो। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर फ्लेम आपका जो है बर्न हो रहा है। देखिए ये आउटर जोन जो है वो क्या है, आपका ब्लू जोन है, ये यहाँ पर क्या है, बहुत ही हॉटेस्ट पार्ट फ्लेम का क्या है, बहुत ही ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है, यहाँ पर जो है कंप्लीट कंबशन होता है, इस जोन के अंदर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है किसका, यहाँ पर आपके सब्सटेंस का। ठीक है, यानी कि कैंडल का। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है वेपर्स का, कैंडल वेपर्स का। ओके, वैक्स वेपर्स का जिसे हम बोलते हैं, तो हॉटेस्ट पार्ट है, आप यहाँ पर हाथ थोड़ी देर भी नहीं लगा सकते, एकदम से आपको बहुत ही तेज यहाँ पर जलन होती है, है ना, एकदम बर्न होता है। ओके, तो आप बहुत बार देखा होगा कोई लोग जो है आग के अंदर से ऐसे हाथ घुमा घुमा के कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर जो है स्टंट्स दिखाते रहते हैं। ओके, बट यहाँ पर कैंडल के ऊपर या फिर उस पर थोड़ा सा ऐसे अपन हाथ ज़्यादा देर नहीं रख पाते, है ना, आप देखा होगा बहुत सारे देखते हैं कि देखो मैं जो है हाथ इसमें से निकाल के दिखाता हूँ, है ना, बहुत बार ऐसा कर भी लेते हैं। तो जो इनर पार्ट होता है वो मॉडरेटली हॉट रहता है, इतना हॉट नहीं रहता कि वो आपको यहाँ पर बर्न कर दे, है ना, वो मॉडरेटली हॉट रहता है, इसलिए हम उसे जो है यहाँ पर मिडिल जोन भी बोलते हैं। और ये यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है, कैसा कलर का होता है, येल्लो कलर का होता है, कैसे कलर का होता है, येल्लो कलर का। ओके, और यहाँ पर जो इनर पार्ट है वो क्या है, लीस्ट हॉट है, और यहाँ पर जो है अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स रहते हैं, कैसा रहता है, ये ब्लैक कलर का रहता है, कैसा रहता है, ब्लैक कलर का। ओके, कैसा रहता है, ब्लैक कलर का रहता है। ओके, सी यहां पर दिस इज योर हॉटेस्ट पार्ट, है ना, आउटर जोन जो है वो क्या है, हॉटेस्ट पार्ट है, और आउटर जोन के अंदर यहां पर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, और कैसे कलर का है, ये ब्लू कलर का, कैसे कलर का है, ब्लू कलर का। ठीक है, मॉडरेटली हॉट है कौन सा, मिडिल जोन। ठीक है, और यहाँ पर लीस्ट हॉट है कौन सा, बिल्कुल अंदर वाला जोन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी वो विक रहती है, और वो विक जो है यहाँ पर इज योर इनर मोस्ट जोन के अंदर प्रेजेंट रहती है, कैसा है, ब्लैक कलर का, यहाँ पर अनबर्न्ट वैक्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ से धीरे धीरे जलने लगता है, यहाँ पर मॉडरेटली हीट होता है, और फिर यहाँ पर ऊपर आते आते वो पूरा कम्प्लीटली बर्न आउट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर हाथ नहीं रख सकते, बस इसके अंदर से हम जो है हाथ ऐसे चलाएं तो आराम से हम उसे ऐसा स्टंट कर सकते हैं, है ना, वैसे करना नहीं है आपको घर पे, बट वैसे मैं बता रहा हूँ। ओके, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज। ओके, नाउ सी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में। ओके, तो आउटर मोस्ट जो है वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस जोन है, जहां पर क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। नाउ दिस जोन इज फेंटली विजिबल,
एकदम से बहुत इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता। यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखा रखा है बट इतना क्लियरली ये पार्ट विजिबल नहीं होता, ठीक है। तो फेंटली विजिबल है, थोड़ा थोड़ा विजिबल है एंड सराउंडेड द येलो ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। किससे सराउंडेड रहता है? येलो पार्ट से सराउंडेड रहता है। आपको जनरली कैंडल बर्न करते हो तो ऐसे ब्लू और येलो इस तरीके से ड्यूअल कलर नहीं दिखाई देते, बहुत ध्यान से देखोगे तो ब्लू पार्ट जो है वो बहुत कम आपको दिखाई देगा, है ना। मैक्सिमम क्या दिखेगा? येलो पार्ट ही दिखेगा। इन दिस जोन वैक्स वेपर अंडरगो कंप्लीट कंबशन बिकॉज द प्लेंटी ऑफ एयर इज प्रेजेंट अराउंड इट। यहां पर इस पार्ट के अंदर क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है क्योंकि यहां पर प्लेंटी ऑफ एयर जो है वो क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एंड दिस जोन इज योर हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। ये जोन जो है वो क्या है? यहां पर हॉटेस्ट पार्ट है किसका? कैंडल फ्लेम का, ठीक है। किसका पार्ट है? हॉटेस्ट पार्ट है किसका? कैंडल फ्लेम का, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन विच इज ब्लू इन कलर एंड इट इज योर हॉटेस्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है। अंडरस्टूड? समझ आ रहा है? ओके चल आगे बढ़े। तो बीच वाला पार्ट जो है वो क्या है? येलो कलर का और क्या है? मॉडरेटली हॉट है ना। बीच वाला पार्ट जो है वो क्या है? येलो कलर का है और मॉडरेटली हॉट है। द डार्क जोन इज योर इनर मोस्ट पार्ट और ये क्या रहता है? लीस्ट हॉट रहता है। ये क्या है? आपकी विक है और ये क्या है? वैक्स कैंडल है, ठीक है। अंडरस्टूड? इतना सा पार्ट समझ आया? आउटर मोस्ट, ठीक है। चल हम नेक्स्ट यहां पर मिडिल जोन की बात करते हैं। सेंट्रल और मिडिल ल्यूमिनस जोन, ठीक है। ये क्या है? यहां पर आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इस पार्ट में क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन होता है। नाउ द सेंट्रल ल्यूमिनस जोन इज योर मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल, है ना। इसमें क्या होता है? यहां पर मैक्सिमम आपका मेजर पार्ट प्रेजेंट होता है। दिस जोन इज योर ब्राइट येलो एंड ल्यूमिनस। कैसा जोन है? ब्राइट है, येलो है और ल्यूमिनस है एंड लाइट एंड लाइज इन द आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन। क्योंकि ब्लैक के बाद आता है आपका क्या? यहां पर ये वाला येलो वाला पार्ट, ठीक है। तो आउटर नॉन ल्यूमिनस जोन जो कि आपका ब्लैक वाला पार्ट है उसके यहां पर आउटर मोस्ट जोन में प्रेजेंट रहता है। यहां पर क्या होता है? वैक्स वेपर अंडरगो इनकम्प्लीट कंबशन। यहां पर वैक्स वेपर्स का जो है इनकम्प्लीट कंबशन होता है बिकॉज यहां पर उसकी सराउंडिंग में इतनी एयर प्रेजेंट नहीं रहती। इट इज कवर्ड विद ब्लू और उसके अंदर भी यहां पर क्या रहता है? ब्लैक जोन। तो यहां पर इस पार्ट में आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट नहीं रहती जिसकी वजह से यहां पर कंप्लीट कंबशन नहीं होता, यानी कि पूरी तरीके से वेपर्स नहीं जलते। द इनकम्प्लीट कंबशन, ओके, तो इनकम्प्लीट कंबशन यहां पर हो रहा है वैक्स, ठीक है। वैक्स प्रोड्यूसेस और वैक्स वेपर प्रोड्यूसेस कार्बन पार्टिकल्स। यहां पर क्या होते हैं? इस पार्ट में यहां पर जो है कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। दीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स गेट हीटेड अप एंड स्टार्ट ग्लो। ये कार्बन पार्टिकल क्या करते हैं? हीट अप होते हैं और यहां पर ग्लो करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ग्लो करना। नाउ दीज ग्लोइंग कार्बन पार्टिकल्स मेक द फ्लेम ल्यूमिनस, है ना। ये ग्लोइंग कार्बन पार्टिकल्स जो हैं ये क्या कर देते हैं? यहां पर इसे जो है इस फ्लेम को यहां पर ल्यूमिनस बना देते हैं, ओके। थस द सेंट्रल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज ल्यूमिनस। जो सेंट्रल जोन है वो क्या है कैंडल फ्लेम की? यहां पर ल्यूमिनस जोन है जहां पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है किसका? वेपर का। और ये पार्ट जो है यहां पर आपको मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पार्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर बहुत ज्यादा हीट नहीं होता, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। और जिसकी वजह से यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये कार्बन का पार्टिकल्स हीट अप होकर के यहां पर ग्लो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज है किसके अंदर? यहां पर मिडिल जोन के अंदर और वी कैन से दैट यहां पर सेंट्रल जोन के अंदर, ठीक है। अंडरस्टूड? समझ आया? चल आगे बढ़े। सेंट्रल और योर ल्यूमिनस जोन, इसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस, क्योंकि यहां पर ये क्या है? येलो कलर का जो है यहां पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है। यहां पर इनसफिशियंट सप्लाई मिल रही है किसकी? ऑक्सीजन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहां पर, दैट इज इनर डार्क जोन, ठीक है।
इनर डार्क जोन के पास हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, जहाँ पर कि कोई कंबशन नहीं होगा। मेन तो ये तीन ही है आपकी, ठीक है, तो इनर डार्क जोन में यहाँ पर कोई भी कंबशन नहीं होता। द डार्क जोन अराउंड द वेक्ट इज कॉल्ड द इनर डार्क जोन, है ना। यहाँ पर जो प्रेजेंट है ब्लैक कलर की, वो क्या है आपका यहाँ पर इनर डार्क जोन है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी कंबशन नहीं होता है। इन दिस लिटिल जोन, यहाँ पर कोई भी कंबशन टेक प्लेस, नो कंबशन टेक प्लेस, बिकॉज इन दिस जोन एयर, नो एयर इज प्रेजेंट। इस जोन के अंदर यहाँ पर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होती। दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज लीस्ट हॉट, यहाँ पर इस पार्ट के अंदर क्या होती है, हीट जो है वो बहुत कम होती है। दिस पार्ट इज योर लीस्ट हॉट पार्ट, जिसके अंदर कोई भी कंबशन नहीं होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज योर लोवेस्ट ब्लू जोन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा जोन है आपका, लोवेस्ट ब्लू जोन है। इन दिस जोन, दिस इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द फ्लेम, कहाँ पर लोकेट है ये, बिल्कुल बेस में यहाँ पर लोकेटेड है, कौन सा आपका लोवेस्ट ब्लू जोन। द ब्लू कलर ऑफ दिस जोन इज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विच प्रोड्यूसेस इन द डार्क जोन। इस डार्क जोन में यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लू कलर आपको जो है यहाँ पर एकदम लोअर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर लोवेस्ट ब्लू जोन, ठीक है। जब भी कैंडल बर्न होगी आपको ब्लू पार्ट बिल्कुल यहाँ पर लोअर में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, ऊपर वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम ऐसे लगेगा येलो येलो है, लेकिन वहां पर वो जो आपका हॉटेस्ट पार्ट है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने किसके बारे में डिस्कस किया, यहाँ पर हमने डिस्कस किया फ्लेम के बारे में, है ना, फ्लेम क्या होती है और यहाँ पर कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपका क्या करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर कैंडल हो गया या फिर केरोसिन हो गया, ये सब क्या करेंगे आपका यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। कोल चाकोल यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ओके। और फिर हमने यहाँ पर देखा कि फ्लेम किस किस तरीके के कलर की होती है, ठीक है, यहाँ पर ब्लू और येलो मेनली हमने जो है दो कलर देखे। और इसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्या होती है ना। टाइप्स ऑफ फ्लेम के अंदर हमने पढ़ा ल्यूमिनस फ्लेम क्या होती है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्या होती है, ठीक है। तो जहाँ पर सफिशेंट अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं क्या, ल्यूमिनस। जहाँ पर कि आपका जो है हीट तो प्रॉपर प्रोड्यूस होती है, यानी कि सफिशेंट प्रोड्यूस होती है, बट लाइट उतना सफिशेंटली प्रोड्यूस नहीं होती। इसी के साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पर ल्यूमिनस के अंदर जो है येलो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और यहाँ पर इनकम्प्लीट कम्बशन होता है कम्बस्टिबल सब्सटेंस का, ठीक है। यहाँ पर जो है नॉन ल्यूमिनस के अंदर ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है और कम्प्लीट कम्बशन होता है हाइड्रोकार्बन्स का, ओके। सो दिस इज योर ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फ्लेम यहाँ पर किस तरीके की होती है, वॉट इज द स्ट्रक्चर, कितने उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो है कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, हॉटेस्ट पार्ट, मॉडरेटली हॉट पार्ट और योर लीस्ट हॉट पार्ट, ठीक है। उन्हें हमने कलर में भी यहाँ पर डिवाइड किया है, दैट इज योर ब्लू फ्लेम, ओके, येलो फ्लेम, देन डार्क इनर जोन फ्लेम, ओके। सो दिस व्हाट वी हैव स्टडी इन दिस लेक्चर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम एंड फ्लेम, ठीक है, फ्लेम एंड इट्स स्ट्रक्चर, वी कैन से दैट, ओके। सो आई होप आपको जो है यहाँ पर लेक्चर समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, ठीक है, ऐसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना है, लेट मी कीप इट एंड कीप इट फॉर यू, ओके। चल तो हम यहाँ पर अभी चलते हैं किसकी तरफ, लेक्चर के एंड की तरफ, ठीक है। तो लेक्चर यहाँ पर एंड हो चुका है और अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़ोर से लाइक बटन को प्रेस कीजिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या करना है, आपको बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि उसके बिना तो नोटिफिकेशन आएगी ही नहीं और आपको वीडियो का पता नहीं चलेगा।
तो वीडियो का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।